رحم الله من قرأ الفاتحة. तो फिर आप भी चाहे ए करेंगे चाहे टे करेंगे मजलिस बड़ी लंबी होगी। सलवात पढ़े आप हजरात ने सलवात पढ़ा तो अल्लामा शहीद नासिर अब्बास सैदी साहब ने सलवात के बारे में एक रवायत बयान की है। वो रवायत बयान कर दें, शायद आप हजरात इसके बाद इससे बेहतर सलवात पढ़ने लगे। अल्लामा नासिर अब्बास जैदी पांचवें इमाम से रवायत नकल करते हैं कि अगर कोई मोहम्मद और आले मोहम्मद रहमतुल्लाह पे सलवात भेजे उसके बाद 400 साल खामोशी अख्तियार कर ले। यानी एक मर्तबा उसने सलवात भेजा उसके बाद 400 साल तक खामोश रहा। 400 साल के बाद जब वो दोबारा सलवात पढ़ता है तो फरिश्ते कहते हैं भाई अभी जो तूने पहली सलवात भेजी थी हम उसी का अजर नहीं देख पाए, तुमने दोबारा सलवात। और एक और रवायत नकल करके फिर अपने मौजू पे आ रहा हूं। अल्लामा शहीद नासिर अब्बास जैदी साहब वो चौथे इमाम से रवायत नकल करते हैं और चौथे इमाम ने जनाबे मुफज्जल से इस रवायत को बयान किया, इस हदीस को बयान किया है। जनाबे
मुफज्जल से इमाम फरमाते हैं कि हर इंसान के कांधे पे अल्लाह ने दो फरिश्तों को मुअय्यन किया है। नाम क्या है? करामन कातबीन। ये क्या करते हैं? हमारे आमाल को लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? एक फरिश्ता है जो हमारी अच्छाइयों को लिखता है और दूसरा फरिश्ता है जो हमारी बुराइयों को लिखता है। अगर हमने कोई बुरा फेर अंजाम दिया तो उसको लिखता है, लेकिन जब अच्छाई लिखने वाला फरिश्ता अच्छाई लिखता है तो ये जो बाएं कांधे पे है जो बुराई लिखने वाला है वो फारिग रहता है, यानी उसको कोई काम नहीं रहता है, वो खामोशी के साथ बैठा रहता है, देखता रहता है। और जब बुराई लिखने वाला बुराई लिखता है, यानी हमने कोई बुरा काम किया, जब वो बुराइयों को लिखता है तो दाहिने कांधे वाला फरिश्ता जो नेकियों को लिखता है वो फारिग हो जाता है। वो फारिग हो जाता है और फारिग होके बैठ के देखता है, लेकिन इमाम ने जनाबे मुफज्जल से कहा, सुनो मैं तुम्हें एक ऐसा अमल बताता हूँ कि अगर तुम वो अमल अंजाम दोगे, अगर वो अमल अंजाम दोगे तो तुम दोनों फरिश्तों को एक साथ मशगूल कर सकते हो। जब भी कोई मेरी जद्दा माजदा के दुश्मनों पर लानत भेजता है तो नेकियों वाला नेकी लिखता है, बुराइयों वाला आपकी बुराइयों को मिटाने लगता है। एक सलवार पढ़े मोहम्मद कर सकते हैं। अभी जैसे आपने लानत भेजी, अब फरिश्ते नेकी भी लिख रहे हैं, बुराई वाला हमारी बदी और बुराइयों को जो गुनाह किए उसको मिटा भी रहा। तो अजीजो शहजादी सलामुल्लाह अलैह की जात कौन सी जात है जिसके लिए पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमा रहे हैं, फातिमा तो बस अतुम मिन्नी। फातिमा कौन है? जुज़्वे रसालत है। फिर पैगंबर इस्लाम दूसरे हदीस में इरशाद फरमाते हैं कि देखो जिसने मेरी बेटी फातिमा को गजबनाक किया उसने खुदा को गजबनाक किया, और जिसने उसे राजी किया उसने खुदा को राजी किया। यानी फातिमा के राजी होने से खुदा राजी होता है, और जिससे शहजादी जिसके ऊपर गजबनाक हो जाए उसके ऊपर खुदा गजबनाक हो जाता है। फिर पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर अली ना होते, तवज्जो करिएगा, अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफ ना होता। कुफ का मतलब समझते हैं अजीजो? कुफ का मतलब ये जो तराजू के दो पल्ले होते हैं, अगर दोनों को देखा जाए ऊपर नीचे हो तो उसमें क्या करना पड़ता? पसदा लगाना पड़ता। जलालपुर के लिहाजा जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं, थोड़ा सा कुछ रखना पड़ता है कि दोनों हम वज़न हो जाए। कुफ का मतलब यह नहीं कि उसमें पसदा लगाना पड़े, कुफ का मतलब है जर्रा बराबर भी फर्क ना हो। अब जो पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया अली की जात वो है जिसमें आदम का इल्म पाया जाता है, नूह का तकवा पाया जाता है, इब्राहिम की खुल्लत पाई जाती है, मूसा की हैबत पाई जाती है, ईसा का जहद पाया जाता है। अलगरस पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि अली की जात वो है कि जिसमें 1,24,000 अंबिया के सिफात पाए जाते हैं। तो सिर्फ मौला के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि शहजादी की जात भी वो है जिसमें आदम का इल्म पाया जाता है, नूह का तकवा पाया जाता है, इब्राहिम की कुल्लत पाई जाती है, मूसा की हैबत पाई जाती है, वरना कुफ का कोई माने ही नहीं होता। एक सलवात पढ़े मोहम्मद कोई माने नहीं है। हमारे और आपके पांचवे इमाम इमाम मोहम्मद बाकर इरशाद फरमाते हैं कि अगर मौलाए कायनात की जात न होती, ये जो रसूल खुदा ने फरमाया है कि कोई कुफ ना होता मौलाए कायनात के बारे में जो रसूल ने फरमाया, तो इमाम फरमाते हैं कि अगर जनाबे आदम से लेकर
पैगंबर इस्लाम से पहले तक के जितने अंबिया गुजरे हैं, हर नबी ने अपना रिश्ता पेश किया होता तो पैगंबर इस्लाम सबके रिश्ते को ठुकरा देते। उलूल आज़म अंबिया गुजरे कि नहीं, जनाबे नूह, जनाबे इब्राहिम, जनाबे मूसा बड़े अंबिया में से हैं कि नहीं है। लेकिन पांचवे इमाम कहते हैं इनमें से कोई भी शहजादी का कुफ नहीं है। कुफ नहीं, हम समझे कि जो पैगंबर इस्लाम ने कहा अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफ ना होता। अब अजीजों जब बात कुफ पे आ गई है तो अब हर सिफात जो मौलाए कायनात के अंदर है वो शहजादी के अंदर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। अगर मौलाए कायनात सूरज को पलटा सकते हैं तो शहजादी के अंदर भी सिफत पाई जानी चाहिए। अगर मौलाए कायनात इल्मे लदुन्नी के मालिक है तो शहजादी को भी होना चाहिए। अगर मौलाए कायनात मुर्दे को जिंदा कर दिया करते हैं तो शहजादी के अंदर भी सिफत होना चाहिए। अजीजो हमने देखा कि मौला ने अपनी जिंदगी में मुर्दे को जिंदा किया कि नहीं, जनाजे वाला वाकया याद है कि नहीं। तारीख बताती है कि यहूदी औरतें आई पैगंबर इस्लाम की खिदमत में शादी की उनके घर पे, का शहजादी सलामुल्लाह अलैहा को भी हमारे घर भेज दीजिए। उनका मकसद क्या है? पता है कि इनके पास अच्छे लिबास नहीं है, तौहीन करने के लिए बुला रही है। शहजादी सलामुल्लाह अलैहा ने कहा बाबा आपको पता क्यों बुला रहे, मेरे पास कोई अच्छा लिबास नहीं है। रसूल ने कहा नहीं बेटी, तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है, मैं तुम्हें अपनी मुबल्लिगा बना के भेजूंगा, दीन की तबलीग करनी है तुम्हें। अजीजो जब मुबल्लिगा किसी को रसूल खुदा बना के भेज रहे हैं तो फिर लिबास अल्लाह भेजेगा कि नहीं भेजेगा, जेवरात भेजेगा कि नहीं भेजेगा। यही हुआ, जन्नत से लिबास आया, कनीजी करने के लिए हूरें आई और जब शहजादी पहुंची वहां पर तो लोगों की आंखें तीरा करने लगे। अजीजो तारीख में मिलता है, पिछला तशरीफ लाइए, सलवात जब शहजादी तशरीफ लाई तो वहां पर जो वाकया रोनुमा हुआ वो ये कि दुल्हन मर गई। अजीजो एक मरतबा दुल्हन की मां किसकी खिदमत में आई, शहजादी सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में आके हाथों को जोड़ दिया, बीबी मेरी मुर्दा बेटी को जिंदा कर दीजिए, मेरी मुर्दा बेटी को जिंदा कर दीजिए। प्रभु भाई मानने वाली है तो जनाबे मूसा की, जनाबे ईसा को भी मानती होगी, जनाबे मरियम को भी मानती होगी, क्यों नहीं जनाबे मूसा की बारगाह में इल्तिजा कर रही है, क्यों नहीं जनाबे मरियम से कह रही है, शहजादी के पास क्यों आई। अजब नहीं कि यहूदी औरत जवाब दे, क्या तुमने नहीं सुना कि पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया है अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफ ना होता। जब इनके शौहर अली मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं। अजीजो यही हुआ, शहजादी ने दो रकात नमाज पढ़ी, दुआ किया, दुआ मुकम्मल नहीं होने पाई थी कि उसकी बेटी जिंदा हो गई, उठकर बैठी, बैठते ही साथ उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयु वलीउल्लाह। अजीजो शहजादी ने ना ये कि उसकी बेटी को जिंदा किया, तवज्जो करिएगा, ना ये कि जिंदा किया बल्कि उससे खुदा की तौहीद मनवाई, रसूल की रसालत मनवाई, अली की विलायत मनवाई। अजीजो मुझे यहाँ पर कहने दीजिए, कलमा रसूल ने भी पढ़ाया, कलमा बतूल ने भी पढ़ाया, लेकिन रसूल और बतूल के कलमा पढ़ाने में फर्क ये था जिन्हें रसूल ने कलमा पढ़ाया वो पहले जिंदा थे फिर मरे हैं, लेकिन जिन्हें बतूल ने कलमा पढ़ाया पहले मुर्दा थे फिर जिंदा हुए। मुर्दा को कलमा पढ़ाना बड़ा सख्त काम है, बहुत मुश्किल काम है। अजीजो शहजादी सलामुल्लाह अलैहा की अजमत को समझें। फिर यहाँ पे मैं पैगंबर इस्लाम की हदीस का सहारा लूंगा। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि देखो औरतों के अंदर तीन ऐसी खामियां पाई जाती हैं, नकायस पाए जाते हैं जो मर्दों के अंदर
नहीं है, हमारे मुल्ला जी के अंदर नहीं पाए जाते, मर्द हैं, लेकिन औरतों के अंदर पाए जाते हैं। पहले कमी नक्स क्या है, उनकी गवाही क्या है, नाकिस है। मौलाना अशरफ तमाम साहब इमाम जुमा यहाँ के तशरीफ फरमा है, आप उनसे पूछ लीजिए इस बात हिलाल रुयत, इस बात हिलाल के मसले में, जहां मर्दों के बारे में दो आदिल मर्द गवाही दे तो चार साबित है, लेकिन जब औरतों का मसला आता है तो किबला बताते हैं चार औरतें, इनकी गवाही मर्दों के मुकाबले में क्या है, आधी है। दूसरा नक्स क्या पाया जाता है, इनकी मीरास नाकिस है। खुदा कुरान में इरशाद फरमा रहा है, लिज़कर मिस्लो हज़्ज़ुल उन्सैस, लड़कियों की जो मीरास है, लड़कों की जो है, लड़कियों के मुकाबले में दो बराबर है, यानी तीन हिस्सा है तो दो लड़के को मिलेगी और एक लड़की को। फिर पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि तीसरा नक्स जो औरतों में पाया जाता है वो ये कि इनकी इबादत नाकिस है। शादीशुदा हजरात बैठे हैं, जानते हैं कि बाद अय्याम ऐसे आरिज होते हैं औरतों पे कि जब इबादत का सिलसिला मुनकता हो जाता है, लेकिन मर्दों की इबादत कभी मुनकता नहीं होती, वो अलग बात है कि हम खुद मुनकता करते हैं। अजीजों, बात नमाज की आ गई है तो एक वाकया याद आ गया, बयान करता चलो भाई। हमारे ऊपर से नमाज कभी साकिर नहीं है, जंग में हो, सफर में हो, हजर में हो, डूब रहे हो, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ें, लेकिन किसी सूरत में मर्दों से नमाज साकित नहीं है। वो अलग बात है कि जैसे किसी बच्चे थे क्लास में, सवाल किया उस्ताद ने, बेटा नमाज कौन नहीं पढ़ता, तो एक बच्चे ने कहा उस्ताद जिसको नमाज याद नहीं नहीं पढ़ता। दूसरे से पूछा तो कहा मुर्दा लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, इसलिए कि हमने मुर्दों को नहीं देखा नमाज पढ़ते हुए। तीसरे बच्चे से पूछा का जो अल्लाह को डरता नहीं वो नमाज नहीं पढ़ता। अब जो लोग नमाज नहीं पढ़ते अपने नफ्स का जायजा ले, तीनों में से कौन, तीनों में से किस मरहले पे हैं हम, आया हमको नमाज याद नहीं है, या हम मुर्दों में से हैं, या अल्लाह से डरते नहीं है। अजीजो, हर बच्चे ने अपना नजरिया बयान कर दिया। देखें बात आ गई नमाज, थोड़ा सा अपने मौजू से मैं हट रहा हूँ, फिर हदीस में पलट के आ रहा हूं, ये भी जरूरी है तबलीग भी। एक शख्स अपने घर से निकला मस्जिद के लिए, बहुत शदीद बारिश हुई थी, मुसम्मम इरादा करके निकला कि नमाज सुबह कहां पढ़नी, मस्जिद में। रवायत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मस्जिद उसके घर से फासले पे थी। बेचारा हर तरफ पानी था, कीचड़ था, बीच रास्ते में जब पहुंचा तो पैर फिसला तो गिर गया, कपड़ा गंदा हो गया। इसने इरादा फिर वहीं से बनाया कि घर चल रहा हूं, लिबास तब्दील करूंगा लेकिन नमाज मस्जिद में पढ़ूंगा। दोबारा आया, लिबास तब्दील किया, फिर वहीं पे पहुंचा, फिर पैर फिसला, फिर इसने इरादा किया कि आज नमाज सुबह मस्जिद में पढ़नी है। फिर आया, लिबास तब्दील किया और जैसे ही घर से बाहर निकला, देखा एक कभी शक्ल का इंसान चिराग लेके खड़ा है और कहा आओ चलो तुमको मस्जिद तक पहुंचा दूं, तुमको मस्जिद तक पहुंचा दूं। लिहाजा वो लेके आया मस्जिद के दरवाजे पर, उसने छोड़ा। जाहिर सी बात है अभी मुल्ला जी को कोई छोड़ने आए मस्जिद तक और छोड़ के जाने लगे तो चूंकि मोमिन है कहेंगे भाई आप कहां जा रहे हैं, आप भी आइए। ज्यादा उसने भी कहा कि आइए आप भी आइए। तो एक मरता आने वाले ने कहा नहीं हम मस्जिद में नहीं आते। कहा क्यों, कहा हम हजरत इबलीस हैं, हम हजरत इबलीस हैं। कहा भाई तुम तो लोगों को बहकाते हो, नमाज में आने नहीं देते और मुझे मस्जिद में पहुंचा रहे हो। कहा ये जो तुम दो बार गिरे हो, ये गिरे नहीं मैंने गिराया है। कहा जब गिराया तो पहुंचाया क्यों, भाई जब गिराया तो पहुंचाया क्यों। कहा जब तुम पहली बार गिरे, तुमने इरादा बनाया कि लिबास तब्दील करके मस्जिद में जाऊंगा, अल्लाह ने कहा जा मैंने तेरे सारे गुनाह को माफ कर दिया। जब दोबारा गिरा
फिर इरादा बनाया, अल्लाह ने कहा जा तेरे सारे घर वालों को माफ किया। तो मैंने सोचा अगर तीसरी बार गिराऊंगा कहीं रहमत इलाही जोश में ना आ जाए और कहे जा मैंने पूरे शहर के लोगों को माफ किया। उन तीनों में से गौर करें कि उन तीनों में हम हैं या चौथे मरहले में हैं, यानी हम पढ़ते हैं। आप देखें ये एक वाकया और उसके बाद अपने मौजू पे आ रहा हूं मैं। पैगंबर इस्लाम का जमाना है, पैगंबर इस्लाम के सहाबी हैं, पैगंबर इस्लाम के पास आए, या रसूल खुदा नहीं पता आजकल पता नहीं क्यों रिस्क तंग हो गया। हमारे यहां रिस्क तंग हो जाए तो हम क्या करते हैं, कोई मुल्ला देखेंगे कोई तावीज लिख दे, पता नहीं किसने बंदिश करा दिया है। अजीजों कोई बंदिश कराता नहीं, हम खुद बंदिश करते हैं। अल्लाह ने कहा सिले रहम करो, भाई का ख्याल रखो। हम सोचते हैं जितना माल आए खुद हजम कर जाए, माँ बाप को देते नहीं है, बहनों का ख्याल नहीं रखते, अजीजों अकारिब का ख्याल नहीं रखते, उसके बाद दौड़ते हैं मुल्ला के दरवाजे पे। ये जो हम लोग मरने के बाद वालदैन के लिए बकरे का गोश्त और 10 किस्म के फ्रूट और शेरवान वो नजर कराते हैं, अगर यही जिंदगी में उनके खिला देते तो न जाने कितना अजर मिलता। लेकिन हम लोगों ने तो मरने के बाद इकट्ठा कर रखा है, उनकी जिंदगी में खिलाते न जाने कितनी दुआएं मिलती। नहीं नहीं, उसके बाद पूरे मोहल्ले वालों को खिलाएंगे, अपने माँ बाप को मरने के बाद सिर्फ नजर दिलाएंगे, वो भी खुद खाने को ना मिलता तो शायद नजर भी ना दिलाते। अगर खुद ना खाना होता तो नजर भी ना दिलाते। ये सब चीजें गौर करने के लिए, तो गौर करें सब मरहलों को। तो चवड़े भी लिख जाते। आया या रसूल खुदा रिस्क बड़ा तंग हो गया है। रसूल खुदा ने क्या जवाब दिया, शायद तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, शायद तुम नमाज नहीं पढ़ते हो। या रसूल खुदा पांचों वक्त की नमाज आपके पीछे पढ़ता हूँ, मौलाना अशरफ इमाम साहब के पीछे पढ़ता हूँ, और कह रहे नमाज नहीं पढ़ते। कहा कि तुम्हारे घर में कोई नमाज नहीं पढ़ता होगा। क्या रसूल खुदा जब आता हूँ तो सबको मुसल्ले बिठा के आता हूँ। फिर रसूल खुदा ने कहा शायद तुम्हारे मोहल्ले में कोई नमाज नहीं पढ़ता, इसीलिए ज्यादा पड़ोसी अच्छे बनाए, बेनमाजियों को ना बनाए। रसूल खुदा ने क्या कहा तुम्हारे पड़ोसियों में कोई नमाज नहीं पढ़ता, तो क्या रसूल खुदा मेरे मोहल्ले में कोई ऐसा है ही नहीं जो नमाज ना पढ़े। रसूल खुदा का जमाना ना, ताजे ताजे मुसलमान हुए अभी, और फिर रसूल की तबलीग है। अजीजो इतने में जनाबे जिब्राइल नाजिल हुए, कहा या रसूल खुदा, खुदा कह रहा है कि आंगन में दरख्त है। तवज्जो करिएगा अजीजो, बात कहां से कहां पहुंच रही है, रिस्क तंग होने का क्या सबब है। क्या इसके आंगन में एक दरख्त है, दरख्त पे एक कौवे ने अपना घोंसला बनाया है, और वो कौवा कहीं सहरा से एक मुर्दा इंसान जो बेनमाजी था उसकी एक छोटी सी हड्डी ला के रख दिया है। आप कहिए उस हड्डी को हटाए, जब तक उस बेनमाजी की हड्डी इनके घर में रहेगी इनका रिस्क तंग होता चला जाएगा। तो अजीजो अगर एक मुर्दा इंसान की हड्डी हमारे घर के आंगन में आ जाए तो हमारा रिस्क तंग हो जाए, अगर हम खुद मुर्दों की तरह पड़े रहे तो क्या होगा। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि देखो इनकी इबादत क्या है, नाकिस होती है, इसलिए कि बास अय्याम ऐसे आरिज होते हैं कि इबादत का सिलसिला मुनकता हो जाता है। अब हमारे यहां जो लोग नमाज पकड़ते और छोड़ते हैं उन्हीं जुमरे में भी शामिल हो जाते हैं। ज्यादा नमाज छोड़ने से पहले सोच लीजिएगा कि कहीं औरतों की सिफत में तो नहीं दाखिल हो रहे हैं, मुसलसल नमाज पढ़िएगा। अजीजो उसके बाद पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया लेकिन याद रखो मेरी बेटी की मीरास नाकिस नहीं, मेरी बेटी कामिल मीरास पाएगी, ना मेरी बेटी की गवाही नाकिस है, बल्कि अगर मेरी बेटी की गवाही के मुकाबले में मर्दों की गवाहियां टकरा जाएं
तो उनकी गवाही को रद्द कर दिया जाएगा, मेरी बेटी की गवाही को कबूल किया जाएगा, इसलिए कि मेरी बेटी सिद्दीका है। फिर पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि याद रखो, दुनिया की तमाम औरतों की इबादत नाकिस हो तो हो, लेकिन मेरी बेटी की इबादत नाकिस नहीं है, इसलिए कि मेरी बेटी बतूल है। बतूल उसको कहते हैं जिसकी जिंदगी का कोई लम्हा इबादत इलाही से खाली ना हो। सलावत पढ़े खत्म कर दें। आजम भाई हमारे मुल्ला जी जाके घर पे अपने हदीस बयान करें तो औरतें क्या कहेंगी कि मौलाना लोग पार्टीबाजी कर रहे हैं। जो मर्दों की अच्छाइयां उनको बयान करते हैं और औरतों के खाली आए ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं। कभी इत्तेफाक से मलाड आए तो एक कप चाय भी नहीं मिलेगी। लेकिन अजीजों, इन लोगों के पास मौका नहीं है कि जाके बयान कर, इसलिए कि हदीस अभी मुकम्मल नहीं हुई है, हदीस मुकम्मल नहीं हुई है। फिर पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि देखो, तीन सिफात, तीन खूबियां, तीन अच्छाइयां औरतों में ऐसी पाई जाती है जो किसी मर्द में नहीं पाई जाती। दीन क्या है? इस्लाम में मसावात है कि नहीं है? पैगंबर इस्लाम फरमाते कि तीन ऐसी खूबियां, ऐसी नेकियां औरतों में पाई जाती हैं जो किसी मर्द में नहीं पाई जाती है। पहली चीज क्या, पहली सिफत औरतों की क्या, पैगंबर इस्लाम ने क्या इशारा फरमाया? अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। उम नहीं का जमा का सगा इस्तेमाल किया। अशरफ साहब बहुत बड़े इल्मे अदब के मालिक यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे पूछिएगा, वो तशरीह करेंगे कि यहाँ पर उम नहीं का है, उम्महात का है। किसी एक माँ के कदम के नीचे उनके बच्चों की जन्नत नहीं है, बल्कि सारी माओ के कदमों के नीचे उनकी औलाद की जन्नत है। फिर पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, बेटियां क्या है? रहमत हुआ करती हैं, बेटे नेमत हुआ करते हैं। कयामत के दिन जो अल्लाह ने रहमत दी उस पर अजर मिलेगा, और जो नेमत दी है उस पर हिसाब किताब होगा। याद रखिएगा, जो लोग ज्यादातर चाहते हैं कि हमारा लड़का पैदा हो, वो कयामत के दिन हिसाब देने के लिए तैयार रहे, ज्यादा बेटियों की तमन्ना करें ताकि आपको अजर मिले। फिर पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, मन तज़व्वजा फ़क़द अहरज़ा निस्फ़ दीनहु, कि जिसने भी शादी किया उसने अपना आधा दीन क्या है, महफूज कर लिया। तो बीवियां क्या हुई? ये सबब बनती हैं शौहरों के निस्फ दीन के महफूज करने का, कि हमारा जो है निस्फ दीन क्या है, शादी से महफूज हो जाता है। तीन जुमले हैं, तो बेटियां रहमत, जन्नत माओ के कदमों के नीचे हैं, बीवियां सबब होती हैं कि हमारा निस्ब ईमान क्या महफूज हो जाए। अब इधर से आइए, देखिए पैगंबर इस्लाम क्या बन के आए। खुदा कुरान में कह रहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिलआलमीन, ऐ रसूल, हमने आपको नहीं भेजा, अगर भेजा है तो आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। तो रहमतुल्लिल आलमीन है कि नहीं? पैगंबर इस्लाम मौलाए कायनात के लिए पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमा रहे हैं रोज़े खंदक कि कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। तो मौलाए कायनात की जात हुई कुल्ले ईमान, मौलाए कायनात की जात हुई कुल्ले ईमान। और अजीजो, हसनैन अलैहिस्सलाम के लिए पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमा रहे हैं, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जवानों के जन्नत के सरदार हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीजों, अब अपने जहनों में इन तीनों जुमलों को रखें, बेटियां रहमत, जन्नत माओ के कदमों के नीचे, और बीवियां अपने शौहरों के निस्ब ईमान के महफूज होने का सबब बनती हैं। दूसरी तरफ पैगंबर इस्लाम रहमतुल्लिल आलमीन, मौलाए कायनात कुल्ले ईमान, हसनैन जमानाने जन्नत के सरदार, मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, अगर आप पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए हैं तो क्या हुआ? अरे खुद आपकी रहमत का नाम है फातिमा जहरा, खुद आपकी रहमत का नाम है फातिमा जहरा। ऐ मौलाए कायनात, अगर आप
कुल्ले ईमान है तो क्या हुआ, आपका निस्त ईमान जिस जात ने महफूज किया उसका नाम है फातिमा जहरा। ए हसन और हुसैन, अगर आप जवानाने जन्नत के सरदार है तो क्या हुआ, अरे खुद आपकी जन्नत शहजादी के कदमों में है। सलवात पढ़े मोहम्मद। ये जो मिलता है रवायतों में कि कयामत के दिन बीबी खदीजा और जनाब अबू तालिब जब शफाअत के लिए आएंगे तो अगर मशरिक से लेके मगरिब तक लोग खड़े होंगे ये शफाअत करा देंगे और उनका हक के शफाअत भी कम नहीं होगा। शफाअत कौन करा सकता है, जिसको खुदा इज्न देता है, जिसको खुदा इज्न देता है। दो हैं, एक जनाब अबू तालिब ने, तवज्जो करिएगा अज़ीज़ो, जनाब अबू तालिब ने इस्लाम के ऊपर एहसान किया है, एक बीबी खदीजा ने। बीबी खदीजा ने, अल्लाह क्या कह रहा है कुरान में, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, आया एहसान और नेकी का बदला एहसान के अलावा और कुछ हो सकता है। अज़ीज़ो, अगर इन लोगों ने एहसान किया है इस्लाम के ऊपर तो अल्लाह कह रहा है कि ऐ अबू तालिब, अगर तुमने एहसान किया है तो तुमने रसूल को गोद में नहीं लिया, मैंने लिया। ऐ खदीजा, ये माल तुमने नहीं दिया, मैंने दिया है। यानी जनाबे अबू तालिब के फेल को खुदा अपना फेल बता रहा है, जनाबे खदीजा के फेल को खुदा अपना फेल बता रहा है। अब उसके बाद खुदा कह रहा, देखो तुमने जो एहसान किया है हम उस एहसान का बदला देंगे। एक मरतबा रहमत इलाही जोश में आए और खुदा ने कहा, मोहसिन इस्लाम अबू तालिब, तुमने इस्लाम पर एहसान किया। ऐ मोहसिन इस्लाम खदीजा, तुमने इस्लाम के ऊपर एहसान किया है, जो कुछ तुम्हारे पास था, जितनी तवानाई थी, सब कुछ मेरे दीन पे खर्च कर दे, लेकिन याद रखो मैं खालिक हूँ तुम मखलूक हो, मैं मालिक हूँ तुम ममलूक हो, मैं राजिक हूँ तुम मरजूक हो, मैं लामहदूद हूँ तुम महदूद हो, मैं लामहदूद हूँ तुम महदूद हो। जो कुछ तुमने दिया है वो महदूद दिया है, लेकिन जब खुदा तुम्हें अता करेगा तो लामहदूद अता करेगा। क्यों? खुदा लामहदूद है, लिहाजा वो जब अता करेगा तो लामहदूद अता करेगा। खुदा ने कहा, सुनो ए अबू तालिब, अगर तुमने इस्लाम के ऊपर एहसान किया है तो खजाने कुदरत में सबसे कीमती हीरा जो था वो अली की शक्ल मैंने तुम्हें दे दिया, शक्ल में मैंने तुम्हें दे दिया। दुनिया कयामत तक अली के फजाइल को नहीं बयान कर सकती, क्योंकि एक लामहदूद ने दिया। फिर बीबी खदीजा से खुदा कह रहा है, ऐ मोहसिन इस्लाम, तुमने एहसान किया, तुमने सारा माल इस्लाम के रास्ते में दे दिया, मेरे नबी को दे दिया, लेकिन तुमने जो दिया वो महदूद दिया, मैं जो दूंगा लामहदूद दूंगा। फिर खुदा कहता, देखो खजाने कुदरत में सबसे कीमती मोती जो फातिमा की शक्ल में था वो मैंने तुम्हें दे दिया है। न दुनिया कयामत तक अली के फजाइल को बयान कर सकती है, न फातिमा को। खुदा ने कहा कि देखो तुमने जो दिया है वो महदूद दिया, क्यों? इसलिए कि अपनी तवान अपनी इस्तेदाद के मुताबिक दिया है, लेकिन मैं जो दूंगा वो लामहदूद दूंगा। अज़ीज़ो, बस आखिरी फिक्रे फजाइल कर वहीं से रब्ते मसाइब, चूंकि वादा किया था 45 मिनट में खत्म करेंगे, आप हजरात ने तवज्जो से सुना तो हम भी अपना वादा पूरा कर रहे हैं। अज़ीज़ो, शहज़ादी सलामुल्लाह अलैह की जात को पहचाने, खुदा किसी के गुरूर को पसंद नहीं करता है। आज मौका था, बेहतरीन मौका था कि खुतबा फिदकिया बयान किया जाता शहजादी का, लेकिन चूंकि 45 मिनट का वक्त दिया गया था, 45 मिनट में नुकात बयान नहीं हो सकते हैं। अशरफ साहब का काम है कि जुमे की नमाज में इन अय्याम में, वाकई बता रहे हैं, हंसने की बात नहीं है, इन अय्याम में हम भी हर साल
अय्याम फातिमिया में जो जुमे का खुतबा होता है सिर्फ खुतबा फिदकिया के ऊपर होता है, और पब्लिक को जानना चाहिए कि शहजादी ने जो खुतबा दिया उसमें बयान क्या किया है। 20 से ज्यादा कुरान की आयतों से इस्तदलाल किया है, सिर्फ ये नहीं कि आगे बागे फदक को वहां पर बयान किया है, नमाज का मसला बयान किया, रोजे का, हज का, जिहाद का, ये तमाम मसाले मसले जकात के, ये सब मसाइल बयान किए कि नहीं बयान किए हैं। उसमें शहजादी बयान करती है इज्जत नमाज को क्यों अल्लाह ने वाजिब करार दिया, जानना चाहिए कि नहीं, नमाज क्यों वाजिब करार दिया। शहजादी फरमाती है तंजीहन अनिल के खुदा चाह रहा है कि जो तुम्हारे अंदर तकब्बुर पाया जाता है ये तुम्हारा तकब्बुर निकल जाए। तुम्हारा तकब्बुर क्यों अभी तो कैसे निकलेगा तकब्बुर हमारा, शहजादी कह रही बात गलत नहीं हो सकती है। हमारे जिस्म का सबसे बुलंद हिस्सा क्या है, हमारा सर है, पेशानी है कि नहीं है। जब इंसान इस पेशानी को खाक में रख देता है गोया अपने अना को खाक में रख रहा है, खुदा के सामने अपनी जिल्लत का इजहार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। शहजादी ने कहा कि ज़कात को अल्लाह ने इसलिए वाजिब करार दिया है ताकि माल में क्या है बरकत हो, नफ्स तुम्हारा पाक हो, माल बढ़े। आप कहेंगे भाई ज़कात दे माल बढ़ेगा कैसे, इधर से आप कह रहे दे और एक तरफ से कह रहे बढ़ेगा। जो लोग गांव के रहने वाले हैं वो जल्दी मेरी मिसाल समझ जाएंगे कि जो दरख्त होते हैं उनको छिंगाया जाता है कि नहीं, डालियां काटी जाती हैं, क्यों काट रहे हैं आप भाई। हमारे मुल्ला जी खड़े हो गए, अरे भाई ये दरख्त को काट रहे हैं, उसकी शाखों को काट रहे हैं। तब मुल्ला जी आप बंबई में रहते हैं मलाड में, आपको क्या पता जब इनको काटेंगे तो नई डालियां निकलेंगे और पहले से ज्यादा निकलेंगे, पहले से ज्यादा ये फल देंगे। शहजादी फरमा रहे हैं माल में क्या है नुमो है तुम्हारे इससे ज़कात के जरिए से। अजीजो हम लोग खुम्स निकालने के लिए सोचते हैं 5 लाख बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया मुल्ला जी ने, और जिनके मिसाल दे रहे हैं हकीकत नहीं है, बात को पहुंचाने के लिए कारखाने में इनके काम कर रहे हैं 10 मजदूर, और इनसे पूरे साल कहते रहे किबला 500 रुपया महीना तनख्वाह बढ़ा दीजिए, इन्होंने नहीं बढ़ाया, और उधर से 5 लाख इकट्ठा किया, अल्लाह ने अंदा 1 लाख खुम्स निकाल दो। सख्त काम है कि नहीं है, सख्त काम है हर इंसान की जिंदगी में, लेकिन इसी को कहते हैं कि जब इंसान करेगा तब पाएगा ना। हम लोग सोचते हैं कुछ न करे मरने के बाद जन्नत आराम से मिल जाए, जन्नत आराम से मिल जाए। देखिए अल्लाह से जनाब मूसा ने जनाब मूसा ने अल्लाह से कुछ गुफ्तगू की है, तो अल्लाह मियां ने कहा कि ऐ मूसा हमने ऐ यकून राहता फिल जन्नत, हमने इन्नी वजात राहता फिल जन्नत, हमने राहत और सुकून को जन्नत में रखा है और लोग दुनिया में ढूंढ रहे हैं, कभी नहीं पाएंगे, कभी नहीं पाएंगे लोग। आप देखेंगे जिसके पास पैसा है 70 मरज आ गए, डायबिटीज है, चर्बी बढ़ी हुई है, कोलेस्ट्रॉल अपने उरूज पे है, पैसा है मगर खा नहीं सकता। एक आदमी के पास पैसा सेहत है तो पैसा नहीं है, सेहत है तो पैसा नहीं है कि बेचारा जाए बड़े होटल में खाए। आप देखने चाहे किसी के पास पैसा हो या ना हो, आप जाके देखिए कोई सुकून में नहीं है। अल्लाह ने कहा हम 2 जगह सुकून नहीं दे सकते हैं। एक तो दरख्वास्त जनाब मूसा ने अल्लाह मियां से भी की थी, अल्लाह मियां इस दुनिया में हर कोई मेरी तारीफ कर कोई बुराई करने वाला ना हो, ये भी नहीं हो सकता। अल्लाह मियां ने कहा मैं खुदा हूं, मुझसे तो मेरे पैदा किए हुए बंदे नहीं खुश है, मेरी बुराई कर रहे राजी नहीं है, तो तुमसे कैसे राजी हो सकते हैं। तो अजी तो शहजादी सलामुल्लाह अलैह ने बयान किया, आसारे आमाल को बयान किया, इन तमाम चीजों को मजलिसों में नहीं तो खुतबे में वाजिब है कि हम बयान करें ताकि पब्लिक समझे कि ये खुतबा फिदकिया है क्या जो शहजादी सलामुल्लाह अलैह ने इराद किया है। फिदक के बहाने से शहजादी गए और बयान करती हैं। तो अजीजो बात तकब्बुर पे आई थी, आखिरी बात बस खत्म मजलिस बड़ी तकब्बुर पे आए थे। अल्लाह मियां किसी के तकब्बुर को पसंद नहीं करते,
जनाबे सुलेमान को अल्लाह ने इतनी बड़ी ममलिकत अता की थी कि नहीं की थी, लेकिन जनाबे सुलेमान ने मांगा था और जो मौलाए कायनात के लिए मिलता कि हालत रुकू में जो अंगुश्तरी साहिब को दी थी ये वही अंगुश्तरी थी जिसे पहन के वो हुकूमत किया करते थे, यानी जिसकी वो तमन्ना करते हैं मौला उसको साहिल को दे दिया करते हैं। और रवायतों में जाके देखिएगा वो साहिल जो आया था ना कोई मामूली साहिल नहीं था, सैयदुल मलाइका जनाबे जिब्राइल थे जिनको मौला ने दिया था। तो अजीजो किसी के किब्र को खुदा पसंद नहीं करता है, हमारे यहां थोड़ी सी बात हो जाए हम लोग अपनी हैसियत दिखलाने लगते हैं, हैसियत दिखलाने लगते हैं, लेकिन बात आ जाए मजलिसों की, बात आ जाए तबर्रुक की, बात आ जाए चंदे की, देखिए हक बात कह रहा हूं, हो सकता है किसी को कड़वी लगे, लेकिन मैं यहां पे किसी को जानता नहीं हूं कि टारगेट करूंगा, जैसा कोई अपने दिल पे ना लेगा। अजीजो बात आ जाए चंदा देने की, बात आ जाए मजलिसों में तबर्रुक देने की, तो फिर यहां पर हम अपनी हैसियत बहुत कम दिखलाते हैं, अपनी हैसियत बिल्कुल गिरा देते हैं। अरे भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहां से दें, लिहाजा अजीजो इंसान यही पे पहचाना जाएगा कि कितना बड़ा मुत्तकी है, परहेजगार है। लड़ाई झगड़ा हो जाए तो हमारे पास 10,000 पुलिस को देने के लिए निकल आता है, लेकिन जब बात मौला की आती है, बात मजलिसों की आती है, तो 100 रुपया चंदा देना हमारे लिए भारी हो जाता है। हैसियत दिखलानी तो यहाँ दिखला है, क्यों? इसलिए हैसियत मरने के बाद काम आएगी। यह हैसियत मौला ने क्यों कहा मिन किल्लत इज़्ज़त व तूल सफर, मौला क्या कमी है हम लोगों के लिए कह रहे हैं, मौला हमको बताना चाह रहे हैं, मौला क्या हो जो जनाबे आदम की मुश्किल हल करे, जनाबे नूह की मुश्किल हल करे, एक एक नबी की मुश्किल हल करे। जनाबे सलमान के साथ थोड़ा मजाक कर दिया तो जनाबे सलमान कह रहे हैं कि मौला मैं उम्र में बड़ा हूं, आप मजाक कर रहे हैं। मौला ने कहा तुम उम्र में बड़े हो, कहा तुम जंगल के रास्ते से जा रहे थे याद है, कहा जमाने के आलम में, कहा शेर ने हमला कर दिया, कहा किसने बचाया, कहा एक घोड़े सवार आया था नकाब पहन के, उसने एक तलवार ऐसी मारी थी कि शेर दो हिस्सों में तकसीम हो गया था, कहा तुमने क्या किया, कहा मैंने देखा इधर उधर कुछ था तो नहीं, जंगल में फूल खिले हुए थे, गुलदस्ता बनाया और ले जाके हदिया किया मैंने। एक मरतबा मौला ने आस्तीन से गुलदस्ता निकाला, सलमान है तो वही, लेकिन आपके पास आया कैसे, सलमान बचाने वाला कोई और नहीं अली था। अजीजो आज दुनिया इतराज कर रही है कि शियों के इमाम 1250 साल से जिंदा कैसे हैं? अरे जिस अली के हाथ में एक गुलदस्ता आ जाए 200-300 साल वो मुरझाने ना पाए, तो हमारा इमाम अल्लाह ने फौरन मलकुल मौत को भेज दिया कि उनकी मैं को खत्म करें। जनाबे मलकुल मौत आए तो जनाबे सुलेमान जाहिर सी बात है बादशाह है, जिन्नों चरिन परिन हर किसी पे हुकूमत है, जब मैंने मना किया था तो क्यों आए, यहां भी मैं निकल आया, जब मैंने मना किया था तो इन्होंने भी पलट के जवाब दिया मैं वो हूं जिसे कोई रोक नहीं सकता। अजीजो मलकुल मौत के पास भी मैं आया, लेकिन अजीजो देखे अल्लाह ने इनके मैं को कहां निकाला, शहजादे की अजमत को देखिएगा। अजीजो पैगंबर इस्लाम का आखिरी वक्त है, शहजादी अपनी आगोश में सर रखे हुए है, किसी ने आया दक्कुल बाप किया,
शहजादे ने कहा जा मेरा बाबा आराम कर रहा। फिर कुछ देर के बाद आया, फिर शहजादी ने वापस भेजा। जब तीसरी बार आया तो शहजादी की आंखों से आंसू जारी हो गए, अश्के कतरात रसूल खुदा के चेहरे पे गिरे। रसूल खुदा ने आंखें खोली, बेचैन हो गए, फातिमा मेरी जिंदगी में रो रही हो। एक मरतबा शहजादी ने कहा बाबा ना जाने कौन है जो बार बार दक्कुल माफ कर रहा, मैं मना कर रहा। बेटी ये तेरे दर का शरफ है, वरना आने वाला किसी से इजाजत नहीं है, आने वाला किसी से इजाजत नहीं लेता है। अजीजो अभी कुछ ही दिन तो गुजरे हैं कि पैगंबर इस्लाम ने अपनी बेटी को बताया था कि तेरे दर का शरफ है कि मलकुल मौत भी इजाजत ले रहे हैं। लेकिन अजीजो अभी पैगंबर इस्लाम की आंखें बंद हुई और उसी दर पे आकर लकड़ियां लेके लोग इकट्ठा हो गए, और सिर्फ इकट्ठा नहीं हुए, कयामत तो उस वक्त आ गई जब दरवाजे में आग लगाई गई और जलता हुआ दरवाजा शहजादी के ऊपर गिराया गया। अजीजो शहजादी दरो दीवार के बीच में आए, एक मेख थी जो शहजादी के पैरों में चुभी। अजीजो जनाब मोहसिन शिकम मादर में शहीद हो गए। शहजादी आवाज देती है फिरजा को, फिरजा आओ मुझे संभाल लो। अजीजो अजीजो कितनी बड़ी मुसीबत है ये, इस वक्त तक इस मुसीबत का अंदाजा नहीं हुआ जब तक इमाम हसन ने करबला के एक बहुत बड़े जाकिर को ख्वाब में आके नहीं बयान किया। एक मरतबा इमाम हसन उस जाकिर से बयान करते हैं, तो मेरी सबसे बड़ी मुसीबत नहीं पड़ता। जाकिर ने कहा मौला मैं आपकी मुसीबत को बयान करता हूँ, आपके कलेजे के बहत्तर टुकड़े तश्त में गिरे। का नहीं है मेरी सबसे बड़ी मुसीबत नहीं है, का मौला आपकी मुसीबत बयान करता हूँ कि जिसको घर के बाहर सुकून ना मिले अपने घर में आके सुकून मिलता है। लेकिन आपकी बीवी आपके दुश्मन थी, आपको तो घर में भी सुकून नहीं मिला। का नहीं ये भी मेरी सबसे बड़ी मुसीबत नहीं है, का मौला मैं ये भी बयान करता हूँ जब आपका जनाजा रसूल के पहलू में दफनाने के लिए ले गए थे तो जनाजा जख्मी नहीं था, लेकिन जब वापस आए तो उसमें तीर पैवस थे, कफन खून से रंगीन हो गया था। नहीं नहीं, अरे हसन की ये मुसीबत भी सबसे बड़ी मुसीबत नहीं है। एक मरतबा जाकिर ने हाथों को जोड़ा, कहा मौला फिर आप बताइए। एक मरतबा इमाम हसन ने रोके कहा मदीना शहर था, शहर में एक गली थी, गली में एक दरवाजा था, दरवाजे के पीछे हसन की मां फातिमा खड़ी थी, दरवाजे में आग लगाई गई, जलता हुआ दरवाजा मेरी माँ के पहलू पे गिराया गया। लेकिन शहजादी की मुसीबतें वो है कि शहजादी खुद बयान करती है, खुद बयान करती है सुब्बत अलैया मसाइल को में सिरना लाया गया। मेरे बाबा आपके बाद वो मुसीबतें पड़ी है कि अगर रोजे राशन में पड़ते तो शबे तारीख में तब्दील हो जाता। अजीजो एक वक्त वो भी आया कि शहजादी इस दुनिया से रुखसत हो गई, अस्मा को कुछ वसीयतें की थी। अजीजो मुझे पूरी वसीयत नहीं पढ़नी है, बस इशारा करते हुए ये खास मसाले बयान करना है। अजीजो अस्मा से कहा था बच्चे आएंगे तो पहले खाना और पानी उन्हें दे देना, उसके बाद मेरे मरने की खबर देना। अजीजो जब हसनैन आए तो कहा अस्मा मेरी माँ कहाँ है? अस्मा नहीं बताना चाह रही है, लेकिन घराने अहले बैत के बच्चे हैं। अजीजो जब पता चला एक बंदवा इमाम हसन आगे बढ़े, वाकबल हसन वकाल या उम्मा कल्लमीनी قبل ان تفارق روحي من بدني اے میری مادر گرامی اپنے لال حسن سے گفتگو کیجیے اپنے اس کے بھی حسن کے روح بدن سے نکل جائے۔ امام حسین آگے بڑھے، ماں کے پیروں پہ آنکھوں پہ ملنے لگے، اے مادر گرامی جلدی اپنے لال سے گفتگو کریے ورنہ حسین کی دھڑکن رک جائے گی اور حسین کا انتقال ہو جائے گا۔ بچے مسجد میں آئے، وہ مولا کائنات کے شجاعت کا
जंगे ओहद में ऐसे जख्म लगे थे कि एक तरफ से बत्ती डाली जाती थी तो दूसरी तरफ से निकल आते थे, लेकिन मौला ने कभी आह भी नहीं किया अजीजो। लेकिन जैसे ही इमाम हसन इमाम हुसैन ने कहा माँ का तुम बोला बाबा हमारे माँ मर गए अजीजो, जैसे मौला ने सुना दश खा के मौला मुंह के बल जमीन पे गिरे अजीजो, पानी छिड़का गया होश में आया। मैं कहूंगा मौला बड़े खुश नसीब थे, पानी मौजूद था लेकिन करबला के मैदान में चचा जब गले मिले हैं इतना रोए खुशे आने हिमा, दोनों के ऊपर कशी तारी हो गई। लेकिन ज़ैनब की गुर्बत ये थी कि पानी नहीं था। अजीजो मौलाए कायनात घर आए, गुस्ल का एहतमाम किया अजीजो, गुस्ल देते देते आप सुनते रहते हैं कि मौलाए कायनात चीख मार कर रोए अजीजो। कायनात में तीन जनाजे ऐसे हैं जिनके गुस्ल देने वालों ने बुलंद आवाज में गिरिया किया है, अगर सुन सकते हैं तो सुने तो सुने अजीजो। एक जनाजा हमारे और आपके चौथे इमाम का है, जब पांचवे इमाम गुस्ल दे रहे थे एक मरतबा करवट किया जाके कुछ पानी डाले, एक मरतबा सब नजर आया जब आप जमीन पर रखा इमाम जमीन पर बैठ गए, कहा हाय मेरा बाबा अरे करबला के जख्म अभी तक खुद भी नहीं हुए अजरकुमन अल्लाह। हाँ अजीजो दूसरा जनाजा शाम के कैद खाने में एक बच्ची ने शहादत पाई गसाला जब गुस्ल देने के लिए गए एक मरतबा चीख मार कर रोते हुए बाहर आए, जनाब ज़ैनब के सामने हाथों को जोड़ा बीबी आपकी बच्ची को कौन सा मरज था, बीबी कौन सा मरज था बता दीजिए। जनाब ज़ैनब ने कहा ए मोमिना तू ऐसा क्यों कह रही है, मेरी बच्ची को कोई मरज नहीं था तू क्यों कह रही है। कभी भी मैं बच्ची के जिस्म से लिबास जुदा करना चाह रही हूँ लेकिन लिबास दोष में पैवस हो गया है जो जुदा नहीं हो रहा है। पर जनाब ज़ैनब ने अपना सरों सीना पीटा, एक मरतबा जिंदा ने शाम में बैठ गए बुलंद आवाज में गिरिया किया हाय मेरी बच्ची को कोई मरज नहीं था, करबला से कूफे कूफे से शाम तक इतने तमाचे मारे गए इतने तालियाने मारे गए। आखिरी जनाजा जनाब सैयदा का है अजीजो, बीबी ने वसीयत किया था ना कि मेरे जनाजे को शब की तारीकी में गुस्ल देना, मौलाए कायनात गुस्ल दे रहे हैं क्या देखा एक हाथ पहलू पे रखा हुआ है, मौला हटा रहे हाथ नहीं हट रहा है। क्या सैयदा तुम्हें पता है गुस्ल में पानी हर जगह पहुंचना जरूरी है अजीजो, जो हाथ हटा एक मरतबा मौला ने जख्मी पहलू देखा टूटी हुई पसलियां देखी आप जमीन पे रखा माला जमीन पे बैठ गए वाली को कभी ना रोया, लेकिन न जाने जनाबे सैयदा की मुसीबत वो कौन सी मुसीबत थी जिसने अली को गिरिए पे हमारी शफात का जरिया बना बारह में जो लोग परेशान हाल हम परेशानियों को दूर फरमा, जो लोग मकरूज हैं गैब से उनके कर्जों की अदायगी फरमा, जो लोग मरीज हैं बीमार करबला के सदके उन्हें शफाए कामिल व आजिल अता फरमा, इस वबाई मरज कोरोना को उन्हें सुनाबूद फरमा, तमाम शियाने हैदर करार मुहिद्दीन अहले बैत को इस वबाई मरज से अपने हिफ्ज अमान में रख। मेरे महबूब तुझे बादशाह मोहम्मद आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में हमें ज़ियारत कब्र इमाम हुसैन मरने के बाद शफाअत इमाम हुसैन नसीब फरमा, मेरे महबूब हमें हज उमरे की तौफीक अता फरमा, मेरे महबूब
बाबूद हमारे फरमाए इकराम मराज इजाम जो सेहत और सलामती के साथ पूरे उम्र अता फरमाए, खासतौर से आगा इस इंसानी मकाम मौजूद रहबरी को सेहत और सलामती के साथ पूरे उम्र अता फरमाए, उनके तौफीकात में इजाफा फरमाए। सबसे बेहतरीन दुआ यह है कि मुंतकिम खून इमाम हुसैन यूसुफ जहरा इमाम जमान के जहूर में तादीर फरमाए, हम सबको इमाम के आबाद अंसार में शुमार फरमाए। अकबर मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन सर।